पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई चीफ इमरान खान पर पंजाब प्रांत के वजीराबाद में हुए हमले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है और इसमें अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की एंट्री हो गई है। पाकिस्तान की राजनीति में अब मोदी मोदी हो रहा है। कैसे क्या कुछ हुआ है इसकी जानकारी आपको हम वीडियो में देने जा रहे हैं। पीटीआई नेता फवाद चौधरी यानी कि इमरान समर्थक फवाद चौधरी ने वजीराबाद की घटना को संज्ञान में नहीं लेने पर देश में कानून के शासन के नहीं होने की बात कही, लेकिन इसके आगे उन्होंने जो बयान दिया उसने पूरे पाकिस्तान में भूचाल मचा दिया, क्योंकि उनके बयान में नाम आया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। फवाद चौधरी ने कहा कि कुछ ताकतवर समूहों ने देश की राजनीति और न्यायिक व्यवस्था को बंधक बनाया हुआ है। इसी वजह से जब भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि पाकिस्तान में किससे बात की जाए तो कोई जवाब ही नहीं दिया जाता। पाकिस्तान के पंजाब में इमरान खान की रैली के दौरान फायरिंग हुई थी जिसमें खुद पीटीआई अध्यक्ष भी गोली लगने से घायल हुए थे। इमरान खान पर फायरिंग करने वाले आरोपी को घटना के दिन ही गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने कहा कि वो इमरान खान को मारने के लिए आया था और गोलियां चलाई थी। इमरान खान पर हमले के बाद पीटीआई ने शहबाज शरीफ सरकार को घेरना शुरू किया। देश भर में पीटीआई कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रदर्शन किया। इस मामले में पुलिस एफआईआर में हो रही देरी को लेकर भी पीटीआई पार्टी लगातार अपना विरोध जताती रही। इमरान खान पर हमले के मामले में पंजाब पुलिस ने केस दर्ज किया। ये केस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज किया गया। इमरान खान की पार्टी ने इस एफआईआर को सिरे से खारिज किया। पीटीआई नेता ने इस एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश और कानून के नाम पर किया गया मजाक बताया। पीटीआई नेता फवाद चौधरी का कहना है कि अगर इस एफआईआर में इमरान खान के बताए तीन आरोपियों के नाम नहीं है तो ये महज कागज के एक टुकड़े के अलावा कुछ नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि पीटीआई इस एफआईआर को तभी मानेगी जब इसमें हमले में शामिल तीन उच्च अधिकारियों का नाम दर्ज हो जाए। इमरान खान पर फायरिंग मामले में वजीराबाद के सिटी पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुई है। इस एफआईआर मुख्य शिकायतकर्ता दारोगा आमिर शहजाद को बनाया गया है। एफआईआर में मुख्य आरोपी नवीद का नाम दर्ज है। एफआईआर में आरोपी के खिलाफ हत्या, हत्या की साजिश समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। एफआईआर में बताया गया है कि इस हमले में इमरान खान समेत 12 लोग घायल हुए हैं, इनमें मोहम्मद अहमद शता और हमजा अल्ताफ भी शामिल हैं। वहीं एफआईआर में बताया गया कि मौके पर मौजूद एक कार्यकर्ता हसन इब्तिसम ने शूटर को पकड़ने की कोशिश की, उसी के वजह से हमलावर और गोलियां नहीं चला पाया। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में हाशिए पर जाती राजनीति के दौरान भारत के प्रधानमंत्री का नाम लिया जा रहा है, उससे यह अंदाजा लगता है कि भारत का ऑरा कितना बड़ा पाकिस्तान में है, ये बात बखूबी समझी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।